हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है 7 kg का डेमोलेशन हैमर और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हैमर पाइप है या इसको नेक बोलते हैं और ये टूट गया है। इसमें तो ये शायद हाथ से गिर गया है क्योंकि प्रेशर के वजह से ये सब टूट नहीं सकता है क्योंकि अंदर में हैमर पाइप रहता है। चलो, इसमें अगर बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि कैसे टूटा है, बट मुझे जो लगता है ये हाथ से गिर के ही टूटा है। तो यहाँ से कस्टमर खोल के ही मशीन लाया था मेरे पास, ऐसे ही 2-3 स्क्रू टाइट इसमें हुआ था। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो नेक या फिर हैमर वाइफ जा पोजीशन उसको चेंज कर लेंगे। और हैमर वाइफ यहाँ पे पूरा ढीला हो गया, अंदर वाला हैमर पाइप। अगर आपका मशीन में हैमरिंग नहीं हो रहा तो यह हैमर पाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका लिंक मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ये वाला पोजिशन का हमारा चेंज करना है, ये हम चेंज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से ये पूरा टूटा हुआ है तो इसके लिए हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये हमर पाइप है, उसको प्रेस करना है हमारा इसमें, क्योंकि दोस्तों अगर सही होगा तो इसमें टाइट होके जाएगा हमर पाइप। ओके, तो ये नेक में ये हमर पाइप टाइट होके जाएगा, तो इसको हमको थोड़ा पीठ के अंदर बैठाना है, ऐसे ही कि वो नॉर्मली चला जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर से टाइट होगा। हम थोड़ा इसमें यहाँ पे कोशिश करते हैं क्योंकि हम प्रेस करेंगे शायद बैंड भी हो सकता है और ये टूट भी सकता है। हाथ में थोड़ा पेट लोगे तो थोड़ा अंदर चला जाएगा, फिर आप इसको प्रेस कर सकते हो क्योंकि हाथ में इतना मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट थोड़ा बैंड बैठेगा, प्रेस करने का काम है, वो प्रेस कर लेगा थोड़ा। अगर हम बैंड बिठा लेंगे तो ये टूट सकता है, इसलिए हमको पहले पीटना है मार्तुल वगैरह में, फिर आपको प्रेस कराना है। ओके, तो यहाँ से मैं पीट लेता हूँ और ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें इसका डैम्पिंग सेट का जहाँ पे स्ट्राइकर पिन लगता है उसके नीचे एक ओरिंग लगता है, उसको मैं खोल चुका हूँ। खोलने के बाद इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो बराबर यहाँ पे फिटिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मेरे दोस्तों इसको हमको क्या करना है, इसका जो स्ट्राइकर पिन है उसको दोबारा निकालना है क्योंकि इसमें मैं ओरिंग को निकाला था, फिर सिर्फ ये वॉशर देके मैं प्रेस कर रहा था। यहाँ से हमको टेस्ट करना है बराबर यहाँ पे फिटिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिल्कुल फिटिंग हो रहा है बराबर, ऊपर में भी बिल्कुल बराबर फिटिंग हो रहा है। और यहाँ पे ये स्ट्राइकर पिन का ये वॉशर है, फिर उसके नीचे एक ओरिंग लगेगा, फिर आपको यहाँ पे लगाना है और फिर हमारा ये टूल होल्डर लगेगा। ये भी आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। इसमें 11 kg का ब्रेकर मशीन बिट लगता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो चुका है। हम इसमें स्क्रू टाइट कर लेंगे, एलन की स्क्रू यहाँ पे लगता है। ओके, तो यहाँ पे 4 नॉट यहाँ पे टाइट हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है मेरे वेबसाइट चेक कर सकते हो। आपको कोई मशीन रिपेयर करना है मेरे एड्रेस पे भी मशीन भेज सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्राइकर पिन में थोड़ा ग्रीस देके यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीस मत दीजिएगा, नॉर्मल ग्रीसिंग करके आप स्ट्राइकर पिन लगाइए, फिर स्ट्राइकर पिन के बाद आपको यहाँ पे ग्रीस लगाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मशीन रिपेयर करना है, साइड में मेरा एड्रेस मिल जा रहा है, चेक कीजिएगा और वो एड्रेस पर आप मशीन ज़रूर भेज सकते हो। ओके, तो यहाँ से बराबर टाइट में हो रहा है, मतलब वो जो आपका पिस्टन में ओरिंग लगता है यहाँ से आपको पता चलेगा। ऐसे ही मैं उसको नहीं खोला हूँ क्योंकि नॉर्मली एक ही प्रॉब्लम था इसमें, ओरिंग का ग्रीस हमारे का कोई प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी हम इसमें ग्रीसिंग कर लिया और इसमें जो टूटा था उसको हमने चेक कर लिया। नॉर्मल सा प्रॉब्लम है तो इसलिए मशीन को मैं पूरा नहीं खोला। अगर आपको सर्विसिंग करना है पूरा खोलना पड़ेगा, इसके बारे में भी अगर आपको बताओगे तो कंप्लीट वीडियो मैं आपको इस चैनल में बताऊँगा। तो यहाँ से हम एलेंगी में के माध्यम से इसमें जितने भी नॉट लगता है उसको टाइट कर लेंगे। तो इसमें यूज किया गया हर स्पेयर पार्ट्स आप मेरे वेबसाइट में चेक कर सकते हो, अवेलेबल है। तो यहां पे उसका हैंडल लगा लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से हमारा हैंडल टाइट हो चुका है, अभी हम इसमें टेस्टिंग करेंगे बिट लगा के 11 kg का। तो मेरे दोस्तों दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, मेरे बिल्कुल सही से चल रहा है।
अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल सही से चल रहा है।